सबसे पहले बात करते हैं G20 की और भारत की अध्यक्षता में G20 समिट का सफलतापूर्वक समापन हो गया है। G20 के आखिरी सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इंसाइयो को G20 की अध्यक्षता सौंपी। अगला G20 शिखर सम्मेलन ब्राजील में होगा। तो G20 के भव्य और दिव्य आयोजन को दुनिया ने देखा। प्रधानमंत्री ने नवंबर में G20 के वर्चुअल सेशन रखने का भी सुझाव दिया और साथ ही आखिरी सत्र में पीएम मोदी ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं और उन पर तेजी से कैसे अमल में लाएं, इस पर ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री G20 के जरिए ग्लोबल साउथ लीडर के रूप में भी खुद को स्थापित किया है। अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री पहले भी वकालत करते रहे हैं और अब उनकी पहल पर अफ्रीकन यूनियन G20 का स्थायी सदस्य बन गया है, जिसे भारत की बड़ी कूटनीतिक जो है जीत माना जा रहा है। आप सब जानते हैं भारत के पास नवंबर तक G20 प्रेसिडेंसी की भी जिम्मेदारी है। अभी 2.5 महीने बाकी हैं। इन 2 दिनों में आप सभी ने अनेक बातें यहां रखी हैं, सुझाव दिए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव रखे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनको भी एक बार फिर देखा जाए कि उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। इन सब की डिटेल्स हमारी टीम आप सभी के साथ शेयर करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जुड़ेंगे। Your Highnesses, Excellencies, इसी के साथ मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का रोडमैप सुखद हो। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं जी मीडिया संवाददाता प्रणय उपाध्याय का। प्रणय, आपने तो 2-3 दिन लगातार भारत मंडपम में ही आप मौजूद रहे। पूरे G20 का जो यहां पर आयोजन हुआ है उसे आपने कवर किया है। भारत ने न केवल इसकी अध्यक्षता की है बल्कि G20 को एक नया मंच दिया है, एक नई दिशा दी, एक नया मोड़ दिया है, या ये कहा जाए एक नई ऊर्जा दी है। बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें जो सुप्रीत आपने कही, ये तमाम विशेषण भारत की इस अध्यक्षता के ऊपर बिल्कुल फिट बैठते हैं। भारत ने इसे एक नई ऊंचाई दी है क्योंकि G20 इससे पहले इतनी कामयाब नहीं थी और पिछली 4-5 G20 की बैठकें मैं खुद कवर कर चुका हूं, लेकिन मैं आपको बताऊं ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि जो अध्यक्षीय या कहा जाए जो लीडर्स डिक्लेरेशन है वो बैठक खत्म होने से पहले आ गया हो। भारत ने ये कर दिखाया है, समाधान का एक नया रास्ता दिखाया है और यहां से आज जिस तरीके से ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा ने भारत से अध्यक्षता हासिल करते समय यह कहा कि भारत ने इसका जो पैमाना है वो इतना ऊंचा कर दिया है कि ब्राजील के सामने अब इससे ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करने की चुनौती होगी। तो निश्चित रूप से अगर आप परिणामों के लिहाज से देखें, अगर आप यहां से जिस तरीके से सहमति बनाने की बात भारत ने की, जैसे वन फ्यूचर अलायंस की बात आज के बैठक के अंदर जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा, उसके बाद इसका एक आकार, इसका एक ढांचा चुकी इसके ऊपर भी सहमति बनी है, वो भी अगले कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन अभी भी कुछ चीजें बाकी हैं और मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि अक्टूबर के अंदर भारत एक और बड़े आयोजन की मेजबानी करने जा रहा है इसी G20 के परचम तले और वो होगा भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बताने वाला ये जो पूरा आयोजन है उसके अंदर भारत पार्लियामेंट 20 के नाम से एक आयोजन करने जा रहा है भारत के नए संसद भवन के अंदर। अक्टूबर के 3rd सप्ताह के अंदर ये आयोजन होगा जिसके बिल्कुल, अंदर बिल्कुल प्रणय, इस आयोजन पर भी हमारी नजर बनी रहेगी, आपसे भी हम अपडेट लेते रहेंगे।